हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डेसिम ऑफ डेसिमल बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेसिमल नंबर किस टाइप के होते हैं। तो डेसिमल नंबर जो होते हैं वो हमको मिल जाएंगे आपको जैसे 0.5 या फिर आप मान सकते हैं 2.732। तो इस तरह से हमको डेसिमल नंबर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या होता है कि इसमें हमको पेयरिंग करनी पड़ती है डिवीजन मेथड में। तो डिवीजन मेथड में जब हम पेयरिंग करेंगे तो हम जो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे वो डेसिमल नंबर के लेफ्ट और राइट में पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट की पेयरिंग अलग करेंगे और राइट की पेयरिंग हम अलग करेंगे। देखते हैं कैसे इसकी पेयरिंग करेंगे हम, तो इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि इसको हमको पेयर बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर एक पेयर बना लेंगे और राइट में एक पेयर बना लेंगे। अब मान लो इसमें पेयर नहीं, तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं, ये पेयर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप जीरो लगा सकते हैं, पेयर ये भी हो जाएगा। नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक। अब इसी तरह से अगर हम इसका पेयर करना स्टार्ट करें तो लेफ्ट में हम देखेंगे कि केवल एक सिंगल डिजिट है 2, ये पेयर हो गया। इधर हम देखेंगे डबल डिजिट है 73, एक पेयर हो गया। और 2 और यहाँ पर हम जीरो लिख सकते हैं तो 20, एक पेयर हो जाएगा। या फिर आप नहीं लिखेंगे तो केवल 2 भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके लेफ्ट में और राइट में पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा किस तरह से पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लेफ्ट में और राइट में पेयरिंग कर लेंगे। और अगर ये जीरो है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में अगर स्टार्टिंग में जीरो आ जा रहा है तो हम पहली बार जो डिवीजन मतलब जो करेंगे डिवीजन स्टार्ट, तो वो हम जीरो से कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरो से कर लेंगे और जैसे ही हम हमारे पास डेसिमल जैसे ही आ जाएगा, जैसे ही हमारे पास जब हम डेसिमल के पास पहुंच जाएंगे, जैसे अगर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया तो 1 1 1 करेंगे तो ये 1 बार हो गया। तो जैसे ही ये 1 1 2 यहाँ ऐड हो गया, ये सारा प्रोसेस हो गया सब्ट्रैक्ट होने के बाद, तो हमारे पास क्या आ गया, डेसिमल आ गया। तो वैसे ही हम कोशेंट में डेसिमल लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी मैं बताऊँगा एग्जाम्पल थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेयरिंग समझ में आ गई होगी कि हम डेसिमल के लेफ्ट और राइट में पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल से सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो ये हम क्या करेंगे कि पहले हम राइट में कर लेंगे और फिर उसके बाद लेफ्ट में कर लेंगे पेयरिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो देखेंगे अब एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल थ्रू इसको समझेंगे किस तरह से करना है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 17.64, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट हम निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो हम पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेयरिंग हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल से, ठीक है। तो डेसिमल से इसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसके हम लेफ्ट में करेंगे और राइट में पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पेयर हो जाएगा पेयर फर्स्ट और दूसरा पेयर हो जाएगा पेयर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ हम जो है कि हमारा दो पेयर मिल गए, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो इस तरह से हमको दो पेयर मिल गए। अब हम इसका स्क्वायर रूट इसके बाद हम जो है कि निकालना स्टार्ट करेंगे। तो इसके इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखेंगे हम क्या करते हैं, इसको जो है कि अब इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो क्या होगा, डबल डिजिट का नंबर होगा। क्योंकि अगर इसमें दो पेयर हैं तो इसमें भी जो इसकी स्क्वायर रूट में मतलब एक पेयर का एक डिजिट बनता है, तो यहाँ पर ये एक पेयर का एक डिजिट हो जाएगा और एक पेयर का एक डिजिट हो जाएगा और बीच में जो है कि डेसिमल पॉइंट हमारा यूज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम लेफ्ट साइड के जो सेकंड पेयर से स्टार्ट करना, जो यहाँ से हम मतलब लेफ्ट मोस्ट पेयर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये जो 17 है ये किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो ये 5 के 5 2 25 और 16 मतलब 5 और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हम या तो हम 5 बार तो ले नहीं जा सकते क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 ज़्यादा आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर हमको लेना पड़ेगा, यानी कि हम फर्स्ट बार जब हम इसको मतलब डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो वो हम 4 से करेंगे, 4 4 या 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं,
देखेंगे। पेयर बना लिया, अब इसके बाद जो है कि क्या करेंगे हम डिवीज़न अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड से 17 को हम डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे हमारा जो कोसेंट है वो फर्स्ट पहला क्या होगा, हम 4 लेंगे। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट में लिख रहे हैं, देखिए तो हम पहला 4 लेंगे, 4 जा 16 हो जाएगा, तो 4 जा 16 को हम यहाँ पर 16 लिख लेंगे। इसके बाद फिर इसको सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर हम 4 जो है कि इसको 64 को नेक्स्ट पेयर को हम नीचे उतार लेते हैं। इसके बाद फिर क्या करना है हमको, अब देखना है इस पेयर को उतारने के लिए हमको डेसिमल यहाँ पर था, लेकिन हमने अब क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही डेसिमल हम आ जाता है हम वहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे। इसके बाद फिर इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ 4 और 4 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। 8 के बाद हम एक स्पेस छोड़ देते हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो है कि हमको एक डिजिट अलग से लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट हमको एक लिखनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम हमारा क्या हो गया 164 हो गया, यहाँ पर इसमें डेसिमल नहीं लिखते हैं, ये पूरा टोटल एक साथ पढ़ा जाएगा, तो 164 हो गया। ठीक है, इस तरह से अब हमको 164 में डिवाइड का, अगर हम 0 लिख लेते हैं तो क्या हो जाता है 80 हो जाएगा, और यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, लेकिन अब हम देखेंगे ये 81 82 इस तरह से लेकर देखेंगे, तो 82 लेते हैं तो देखते हैं 164 आ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमको 2 लिखना है, और हमको कोसेंट में भी 2 लिख लेंगे, तो इस तरह से कोसेंट में भी हम क्या लिख लेंगे 2, और ये 164 हमारा आ गया, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट अपना। तो ये 4.2 का स्क्वायर रूट हो, 17.64 किसका स्क्वायर रूट हो गया हमारा, 4.2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर रूट कंप्लीट हुआ। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो गया 889.8289, तो ये एक थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे डेसिमल के राइट में हम पहले जाएंगे, फिर डेसिमल के लेफ्ट में जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 2 पेयर बन गए डेसिमल के राइट में, और 2 पेयर हमारा जो कि डेसिमल के लेफ्ट में हम मिल जाएगा, एक सिंगल डिजिट मिल गई, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको कितने पेयर मिल गए, टोटल 4 पेयर मिल गए, तो हम पेयर नंबर 4 मतलब जो कि सबसे लेफ्ट वाला पेयर होगा उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जो 8 है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो यही आएगा हमारा 3 3 जा 9 के बीच में, और 2 2 जा 4 के बीच में। तो हम 9 को ले नहीं सकते क्योंकि 9 ग्रेटर है, इसलिए हम क्या लेंगे 2 लेंगे। तो हमारा पहला कोसेंट का जो फर्स्ट डिजिट हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कैसे इसका किया जाएगा। तो इसमें हमको कितने डिजिट आएंगे, क्योंकि इसमें 4 पेयर बने हैं, तो हमको 4 डिजिट मिलेंगे, डेसिमल के इस साइड 2 और डेसिमल के इस साइड 2 मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे, कैसे इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक, तो पहला तो हमको मिल जाएगा 2, ये हमको पहले ही पता चल गया, फर्स्ट हमको 2 मिलने वाला है। तो अब हम इसको लिख लेंगे और लाइन ड्रा कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि हमने पेयरिंग कर लिया, पेयरिंग करने के बाद जो है कि ये अब हमको स्टार्ट करना है। तो पहला हम ले जाएंगे 2 बार, तो 2 2 जा क्या होता है हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 4 लिख के सबट्रैक करेंगे। सबट्रैक करने के बाद
तो यहाँ पर हम इसमें 2 ऐड करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेयर को हम लिख लेंगे। ठीक, तो हमने नेक्स्ट पेयर को लिख लिया, तो नेक्स्ट पेयर हमारा, अब हमारा नंबर क्या हो गया, 489। ठीक है, इसको हमने इसमें 2 ऐड कर लिया तो 4 हो गया, एक 2 यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, या फिर ये मान लो कि इसका डबल कर लेते हैं, डबल तो नहीं लेकिन 2 यहाँ पर ऐड, जो यहाँ पर कोशेंट में एक डिजिट लिखा जाता है वही एक डिजिट यहाँ पर ऐड कर लिया, तो 2 में 2 ऐड किया गया तो आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, अब यहाँ पर कितनी बार लेके जा सकते हैं, तो अगर हम देखेंगे 4 0 करें तो वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन 4 9 करके 4 8 करके ऐसे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 4 9 में हमारा हो जा रहा है, 4 9 में 441 हो रहा है। ठीक है, 441 जो कि छोटा ही है तो हमारा चला जाएगा आसानी से। तो अब देखेंगे यहाँ पर सबट्रैक किए आ गया 48, फिर नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे, लेकिन हमारा एक बीच में डेसिमल आ गया, तो अब डेसिमल हमको कोसेंट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेसिमल हमने कोसेंट में लगा लिया, इसके बाद अब हम लिख सकते हैं 82, तो ये हो गया 4882। ठीक है, अब हम देखिए इधर दो पेयर के 2 डिजिट हमको मिल गए। ठीक, अब देखेंगे इसको हम कितनी बार कैसे लिया, अब यहाँ पर हमने देखा कि तो ये हमारा यहाँ पर जब हम 9 ऐड करेंगे तो 9 9 जा 18 को 8 और 415 तो ये 58 हो जाएगा। अब 58 के आगे हमको ये जो स्पेस बचा हुआ है इसमें हमको कोई एक डिजिट हमको लिखना है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखेंगे। यहाँ पर हम 8 से 7 से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं 8 से, अगर 8 से हम कर रहे हैं तो 4704 आ रहा, तो ये हम लिख सकते हैं 8, तो ये हो जाएगा 588। तो 588 से हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो कोशेंट में डिजिट मिल गया 8, तो यहाँ पर हो गया हमारा 4704। तो अब सबट्रैक्ट कर लेंगे इसको और फिर यहाँ पर एक 8 ऐड करेंगे, तो 8 ऐड करेंगे तो 8 8 जा क्या हो जाएगा हमारा 16 को 6 हो जाएगा। ठीक है, इधर डिवीजर में एक और 8 ऐड कर लेंगे, इधर तो सबट्रैक्ट कर लिया और नेक्स्ट पेयर भी हम उतार लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इधर हमको 8 ऐड करना है, तो 8 जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 596, क्योंकि 8 8 जा 16, 8 9 और 5 को 5 ही होता, तो 596। अब ये हमारा हो गया 17889। अब देखेंगे किसका मल्टीप्लाई करने पर हमको नेक्स्ट डिजिट मिलेगी, तो यहाँ पर अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 9, तो ये हो जाएगा हमारा 17889। तो ये 0 0 आ गया, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको हम स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 29.83। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आप लोगों को ये समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।